ये उस दौर की बात है जब मुसलमान ईरान के शहर अचगर में दाखिल हुए और उसे फतह किया, फिर वहां के बादशाह के किले पर हमला किया और वहां पर इस्लाम का परचम लहराने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक शख्स खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि ए शहर वालों, खबरदार हो जाओ, दज्जाल जाहिर हो चुका है, अपने ईमान की फिक्र करो। हजरत मासब बिन जसामा रज़ियल्लाह ताला अन्हु उसे ऐलान करने वाले शख्स के पास पहुंचे और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक लोग उसके जिक्र तक से गाफिल ना हो जाएं और यहाँ तक के खतीब मेंबरों पर उसका जिक्र करना तक छोड़ दें। सही बुखारी की एक हदीस में रिवायत है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला काना नहीं है, देखो दज्जाल की दाहिनी आंख कानी है, उसकी आंख पूले हुए अंगूर की तरह ऊपर को निकली हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था तो मैंने अपने आप को देखा कि खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ, एक गंदम गो आदमी पर नजर पड़ी जिसके बाल सीधे थे और वो दो आदमियों के दरमियान था, उसके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, लोगों ने बताया कि ईसा इब्ने मरियम है। फिर मैं वापस होने लगा तो एक सुर्ख आदमी को देखा जो वजनी जिस्म का था, उसके सर के बाल गुंगरियाले थे, दाई आंख से काना था, गोया उसकी आंख बेनूर अंगूर की तरह थी। मैंने पूछा ये कौन है, लोगों ने बताया कि ये दज्जाल है और ये दज्जाल आदमियों में इब्ने कतन से ज्यादा मुशाबहत था। इब्ने कतन खजाया के बनी अल मुस्तलक का एक आदमी था। क्या दज्जाल जिंदा है? क्या दज्जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जमाने में जिंदा था और क्या आज वो जिंदा है? इसका जवाब है कि वो जिंदा है। ये वाकया एक सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पेश आया जिनकी एक जजीरे में दज्जाल से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मदीना में इब्न सियाद नामी एक यहूदी था जो एक काहिन और नजूमी और जिन्नात के हवाले से मशहूर था। बाद सहाबाए कराम जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह कहा कि इब्न सियाद ही दज्जाल है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को भी शुबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फैसला किया कि इब्ने सियाद को परखा जाए। ये वो वक्त था जब सूरह अद्दुहा नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इब्ने सियाद से सवाल किया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो मैं क्या छुपा रहा हूँ? इब्ने सियाद ने जवाब दिया कि आप जो मुझसे छुपा रहे हैं वो है अलदख अलदख, ये अद्दुहा का आधा लफ्ज है। अब या तो इब्ने सियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को ऐसे ही कह रहा था या फिर उस तक जो मालूमात पहुंची वो मुकम्मल नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम अपनी हद से आगे नहीं आ सकते। ये तमाम वाकया सही मुस्लिम में मौजूद है। लोगों की इब्ने सियाद के बारे में मुख्तलिफ आरा है, कुछ के नजदीक वो दज्जाल था और कुछ के नजदीक वो दज्जाल नहीं था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को भी शक गुजरा कि आया इब्ने सियाद दज्जाल है या नहीं, लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने सियाद दज्जाल नहीं बल्कि उसका ताल्लुक शयातीन से है। ये लोगों के लिए आजमाइश होगी और दज्जाल को चंद मखसूस ताकतें दी जाएंगी। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा तो बारिश बरसेगी, जमीन से फसल उगेगी, लोगों के माल और पैसे में इजाफा हो जाएगा, लेकिन ये सब उसके पैरोकारों के लिए होगा। जो लोग उससे इनकार करेंगे उनके हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक बंजर इलाके से गुजरेगा और जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल दे और वो खजाने उसके साथ ऐसे चलेंगे जैसे मक्खियों का एक झुंड इंसान के पीछे चल रहा हो। इसी तरह सही मुस्लिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बहुत तेजी से सफर करेगा। इसके लिए उन्होंने मिसाल दी कि जैसे बारिश को हवा धकेलती है, वो एक गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। यकीनन दज्जाल की एक खसूसियत तेज रफ्तारी भी है।
कि वो पूरे कुरे अर्ज का चक्कर 40 दिनों में मुकम्मल कर लेगा। ये वो दौर होगा जब हवा से कई गुना तेज सफर करते हुए सुपरसोनिक जहाज फिजाओं को मुसख़र कर रहे होंगे और दजाल के गधों के कानों के दरमियान का फासला इस बात से लिया जा सकता है कि एक जहाज के परो या विंग्स के दरमियान भी तकरीबन इतना ही फासला होता है। कुछ सालों पहले इसराइल ने एक ऐसा तयारा हेरोन के नाम से तैयार किया था जो मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर सकता है। अगर इस तैयारे को गौर से देखें और इसके परो या विंग्स को देखें तो ये आपको गधे के कानों की तरह उभरे हुए दिखाई देंगे। इसी तरह अमेरिका का SR-71 तैयारा दुनिया का सबसे तेज तरीन तैयारा है जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा यानी 2000 मील फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है। जबकि नासा की तैयार करदा तेज तरीन स्पेस शटल न्यू होराइजन जो जनवरी 2006 में 16.26 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में दाखिल हुई थी, लेकिन दजाल की टेक्नोलॉजी जानने के बाद अहम सवाल ये पैदा होता है कि दजाल कौन होगा और उसके आने की वजह क्या बनेगी। यहूदी 2000 सालों से अपने ख्वाब की तकमील में लगे हैं जो उनके तीसरे टेम्पल का क्याम है, जिसके लिए सदियों से यहूदी मुसलसल मंसूबा बंदियों में लगे हैं। उनके मुताबिक वो हैकल जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कायम हुई थी उसको दोबारा खड़ा किया जाएगा ताकि उनसे खुदा ने जो वादा किया है यानी कि खुदा उनमें से एक पैगंबर भेजेगा जो तख्त दाऊद पर बैठकर तमाम दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दरमियान भेजा तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और बोले कि आप हमारे मसीहा नहीं बल्कि हमारा मसीहा कोई और है। ये जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो दजाल था। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की तो वो लोग आप अलैहिस्सलाम की तबलीग से शदीद बेजार हो गए और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तक पहुंचाकर ऐलान किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ आया है कि उन्होंने कहा कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, लेकिन हम मुसलमानों का ईमान है कि सलीब पर चढ़ने से पहले अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया था। जबकि यहूदी हजारों सालों से अपने बादशाह के इंतजार में है, वो झूठा बादशाह जिसके लिए उन्होंने अल्लाह के सच्चे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। नऊज़ुबिल्लाह। यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा तब तक उनका बादशाह नहीं आएगा, लेकिन हमारा ईमान है कि यहूदियों का वो बादशाह दजाल होगा जिसका जहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जिहाद कुस्तुनतुनिया के दौरान हो जाएगा। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुजूल होगा और तौरात और इंजील के हवालों के मुताबिक गार में सोए हुए असहाबे काफ भी दजाल के खिलाफ लड़ने वाले लश्कर में मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएंगे। दजाल की तमाम तर शैतानी कुव्वतों के बावजूद वो एक झूठ है और कोई झूठ बेशक कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बेशक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन कुल जाता है। दजाल का झूठ भी कुल जाएगा और उसके खुदा होने का बरम भी टूट जाएगा, लेकिन वो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होगा। जैसे दजाल के पास ताकतें होंगी वैसे अल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को ताकत देगा। बाज रिवायात में उनकी निगाह और बाज में उनका सांस दजाल को मारने के लिए काफी होगा और दजाल का कत्ल फलस्तीन में बाबेलुत के मुकाम पर होगा। अल्लाह हम सबको दजाल के फितनों से महफूज रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन।